नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है HCl HCN के साथ में सैलिसिलिक एल्डिहाइड का बनना, ये वास्तव में है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन कोच होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम केवल HCN की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड ही बनेगा और वो कहलाता है गैटरमैन कोच फॉर्मेशन। और गैटमैन रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का कॉपर पाउडर के साथ में क्लोरोबेंजीन का बनना, दैट इज कॉल्ड गैटमैन्स रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन पे ही जाना ठीक रहेगा। परकिंस रिएक्शन ये है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है बेंजाल्डिहाइड का जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। और वहां पर अपने पास जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है सिनामिक एसिड, तो वो लाइक रिएक्शन है। कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन अभी जैसे CO2 के साथ हमने देखा था कोल्ब्स श्मिट रिएक्शन, और एक है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो है सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्साइलेट का इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी तो आप सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है Which one of the substituent at para position is most effective in stabilizing phenoxide ion? तो जो भी electron withdrawing group है, तो electron withdrawing group केवल एक ही है इनमें से, that is COCH3। ठीक है, वो phenoxide ion के negative charge को क्या कर सकता है? Stabilize कर सकता है। इस तरीके से बाकी जितने भी हैं मिथाइल ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप, ये सब जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं है। CH2OH कुछ हद तक यहाँ पर क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है माइनस आई से कुछ हद तक वो स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ पर फिनोक्साइड आयन के पैरा पोजिशन पर कहता है कि यदि CH2OH जुड़ा हो तो ये इसका जो एलपी है एलपी सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन में नहीं है तो थोड़ा बहुत माइनस आई से ये स्टेबलाइज कर सकता है, जबकि ये माइनस एम से स्टेबलाइज कर रहा है। तो एम इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन आई इफेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन COCH3। कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं होगा? देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट इज अ वीक बेस, तो उसमें अगर डिसॉल्व होना है तो जो सामने वाला है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंपैरेटिवली एसिड होना चाहिए। तो इनमें से सबसे ज्यादा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, मतलब ये तो डिसॉल्व होगा ही होगा। देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ठीक ठाक एसिडिक है, देन बेंजोइक एसिड भी ठीक ठाक एसिडिक है, वो सब डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उतना एसिडिक नहीं है कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर जो हमारे पास NO2 वाला है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और CL इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो थर्ड is most acidic, उस क्योंकि NO2 minus M effect से इसको stabilize करेगा। यहाँ पर जो effect आएगा वो अपने पास minus high effect लगेगा, तो ये stabilize करेगा इस H positive के donation के बाद। Cl में यहाँ पर कौन सा effect लगेगा? minus high, जबकि OCH3 यहाँ पर कौन सा effect लगाएगा? plus M। ये मैं H पॉजिटिव के डोनेशन के बाद की बात कर रहा हूं। ये प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। और जो मिथाइल ग्रुप है वो यहां पर प्लस एम तो नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में रिलीज करेगा, तो वो भी ऑलमोस्ट वही इफेक्ट आ जाता है कंपैरेटिवली कम।
तो वीकेस्ट एसिड होना चाहिए फोर्थ और स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए थ्री, तो 3, 1, 2, 4 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, फिनॉल जो है जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में तो फिनॉल जो है गेट्स आयनाइज्ड। फिनॉल के दो केसेस हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ में Br2 वाटर के साथ में जो ये जो ओ ग्रुप है वो नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जबकि OH जो है अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो फिनॉल को यदि हम ब्रोमिनेशन करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड या किसी नॉन पोलर मीडिया में तब तो हमको मिलता है केवल ऑर्थ्रो और पैरा ब्रोमो फिनॉल, वी गेट ओनली ऑर्थ्रो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, जबकि ब्रोमीन वाटर के साथ में वी गेट 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिनॉल का बेंजोइलेशन ये कहलाता है शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन। फिनॉल का या एनिलीन का बेंजोइलेशन, फिनॉल या एनिलीन का बेंजोइलेशन, ये जैसे अपने पास यही देख लेते हैं ClCO6H5, ये जो बेंजोइलेशन है या एनिलीन का बेंजोइलेशन, ये दोनों ही रिएक्शंस कहलाती हैं शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। क्लेसन रिएक्शन है, क्लेसन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ वैसे तो होता है कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और सोडियम एल्कोक्साइड, वो देता है बीटा कीटो एस्टर, वो एक रिएक्शन क्लेसन कंडेंसेशन में ले सकते हो, या क्लेसन रिएक्शन में जो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले जो कार्बोनल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड वगैरह का किसी अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनल कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन, जैसे एसिटाल्डिहाइड वगैरह के साथ में कंडेंसेशन, तो इसको भी क्लेसन रिएक्शन माना जा सकता है H2CHCHO। और इमर्टीमेन रिएक्शन पता है फिनॉल का, फिनॉल का CHCl3 के साथ में रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सैलिसिलिकाइड का बनना, और गैटरमैन कोच रिएक्शन ये अपने पास बेंजीन प्लस HCl प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये अपने पास यहां पर CHO ग्रुप, ये है गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने पास बी, सेकेंड ऑप्शन। मेजर प्रोडक्ट HCl के साथ में तो OH को तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा नहीं, केवल CH2Cl, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन बन सकता है अपने पास यहाँ पे, क्योंकि ये जो अपने पास दिया हुआ है ये जो OH है इसका तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो है CH2OH इसका एलपी कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका एलपी कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव ये जुड़ जाए और फिर ये अपने पास यहां पर पॉजिटिव ये निकलना और फिर ये आ जाएगा अपने पास यहां पर CH2 पॉजिटिव और इस पर Cl नेगेटिव जुड़ करके ये फाइनल प्रोडक्ट दे दे। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन।